ये है माता का दरबार और ये बजरंगबली है, ये है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, और यहाँ पे भोले बाबा जी हैं नहर में। देखो यहाँ का भी चामुंडा माता में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है ना, इसलिए उधर से ही हम लोग, मेरी मम्मा आ रही है बजरंगबली जी। हेलो गाइस, देखना लोग यहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रहे, और देखना सुमन्या उधर भी लगा हुआ फोटो शूट करवाने। मम्मी और दीदी नीचे जा रही हैं, ये देखो हेलो गाइस, ये हमारी देसी बर्फी बिकती है। मम्मी खानी बर्फी आपने, बर्फी खानी पहले देखिए जाइए, पत्ते वाले आइसक्रीम। ए सुमन्यू, सुमन्यू सभी, ये देखो मम्मी, हाँ ये बार बार मौका थोड़ी नहीं मिलता गाइज, पकड़ना बोलना कुछ। ए मैं दीदी के पास छोड़ के जा रही हूँ अपनी फोटो खिंचवाने को। देखो हम लोग यहाँ पर बहुत पानी होता है पर आज थोड़ा कम है। आप बना रहे हो वीडियो को लेकर भाग जाएगा पर्स तो फिर क्या होगा? ये तो वीडियो कैमरा वाले की तरह। आज ये देखो गाइस हम लोग मस्ती मार रहे हैं, ये देखो सब फोटो शूट करवा रहे हैं, भोले शंकर आ रहे हैं थोड़ा यहाँ, हेलो भी कर दो, हेलो सुमन्यू आ गई, दीदी भी आ गई, आ गई दीदी, यूजेस भी ले बेटा, हमारा भी दिखाना भी देखो। ये है चामुंडा देवी मंदिर है, ये नंदीकेश्वर धाम है चामुंडा देवी का, इस टाइम में यहाँ का सामने गणेश भी दिखेगी है ना, गणेश जी है, बस यहाँ सफाई हो रही है लग रहा है यहाँ स्कूल की ना इसकी, इसीलिए जो अभी थोड़ा पानी कम है हाँ। हम लोगों के लिए अच्छा हुआ, ऐसे तो यहाँ तक पानी भरा रहता है तो हम जा नहीं पाते हैं अंदर, थोड़ा सा हाइट दो, अंदर तक जा नहीं पाते, पर बेटा ये स्लिप करेगा, इधर चलो स्लिप करेगा, वो देखो शेर, तो पापा की साइड दिखाना, आशी मैं आता बताओ कहाँ से, स्लिप रही है बच्चा, स्लिप करेगा पैर, दैट्स कूल अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग मासी जी, कितने 4 घंटे हो जाएगा इसमें, इतना कम पानी क्यों डाल।
ये भी सफाई हो रही होगी ना, क्योंकि ये बड़ा स्लिपरी स्लिपरी है। आइया गाइस, हम चलेंगे ऊपर नदी की साइड में। हाँ, जहाँ भी आइए दादी मेरी। ये देखो नदी है, यही मेरी दादी की अस्थियाँ भी बहाई गई थी। ये बगल में नदी है पर इसमें कभी भी बाढ़ आ सकती है। गाइस बहुत मजा आ रहा है, माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। इधर सामने है माता जी का भवन, पर भवन की फोटो बना नहीं ना सकते हैं, वीडियो वगैरह ले नहीं सकते। ये देखो ये बहुत पुरानी मूर्ति है, जो हम छोटे छोटे हुआ करते तब के, अब तो इनकी रिपेयर भी नहीं हुई है कई सालों से लगता है। ये देखो, हेलो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। इसको बंडेर खड्ड बोलते हैं, ये बंडेर खड्ड है। तो इसमें जब भी हल्की सी बारिश भी ऊपर पहाड़ों पे होती है, यहाँ तुरंत बारिश हो जाती है। बहुत यहाँ पर बारिश नहीं हो जाए, तुरंत बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पानी आता है। अभी हम अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखो ये असली चामुंडा, जो हमारी चामुंडा मंदिर मेन है ना, जो ऊपर वो यहाँ पे इन पहाड़ियों पर आदि ही मानी पुरानी चामुंडा बोलते हैं उसको हम। ओ देखना सामने मेरी मम्मी और दीदी बातें लग रही है करने। सुमन्या और सभी का कोई पता नहीं, अच्छा वो आ रहे सुमन्या और सभी। अभी हम फोटो शूट करवा रहे हैं। हेलो बोल दो, थोड़ी सी मेरी भी बना दो। तेरी कोई फोटो ठीक नहीं आई है, तो लगी है पता नहीं क्या बना रहे यहाँ पे हम पशु चराने आए करते, सामने है ना। हेलो गाइस, ये सामने दिख रही है ना धारे से, कब जब हमारे यहाँ मामा जी के घर है ऊपर जहाँ दिख रहा है ये हरसा, कभी हम पशु चराने आया करते थे उनके साथ।
हम नीचे की साइड बोट जहाँ बोटिंग वगैरह होती है, जहाँ बोटिंग वगैरह होती है उस साइड जा रहे। देखना पहाड़ों का नज़ारा, सामने सामने बहुत अच्छी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। लेकिन मेरे और जसू का खींच रहा है। अभी हम गणेश जी के यहाँ जा रहे हैं। ये हमारे चामुंडा देवी के दर्शन, चारों तरफ से आपको दर्शन के यहाँ भोले बाबा जी का। हेलो यहाँ, हेलो हेलो सभी। हेलो। अच्छा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा हैं समन्नी, देखना दीदी को, बहुत सेल्फी ले रही है दीदी। देखना ये ले रही है सेल्फी, ये बोटिंग नाव पड़ी हुई है यहाँ पे जो कि चलती नहीं है, पानी भर गया है। दीदी ले रही है सेल्फी। ये गणेश जी है, शायद यह रिपेयर होगी मूर्तियों की। क्या? हाँ क्लाउड्स देखिएगा गाइज ऊपर। असली चामुंडा यहाँ पे आधी ही मानी चामुंडा ऊपर, लगभग 13-14 किलोमीटर है, हम लोग पैदल जाते हैं, अब तो बहुत दूर है ये। हाँ आदि हिमानी चामुंडा पहाड़ी पे वो। चलो